ईरान के सहान सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ है। रक्षा मंत्रालय के वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर भी ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया गया। उसका देखिए तस्वीर हम आपको कैप्चर हुई, ये तस्वीरें। ईरान ने एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया क्योंकि एयर डिफेंस को तुरंत एक्टिवेट किया गया। ईरान ने दो ड्रोन को पकड़ने का दावा भी किया गया है। तो इस्फहान जहां पर सैन्य अड्डा है उस पर भी बड़ा हमला किया गया और इन सब के बीच वो ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे टीवी9 भारतवर्ष पर। निधि और इन्फॉर्मेशन इस पर आप दीजिए। बिल्कुल करुणा, और ईरान आज सीरियल स्ट्राइक से दहल उठा। न सिर्फ सीरियल स्ट्राइक बल्कि भूकंप के भी झटके और तेज झटके हुए जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए। अब आपको सबसे पहले बताते हैं जो सीरियल स्ट्राइक हुई हुआ क्या। आज सुबह से सबकी नजरें ईरान पर है कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो गया जो सब देख रहे हैं कि ईरान पर कई अटैक किए गए, वो भी सीरियल धमाके। 6 शहर इसकी जद में आ गए, 6 शहर में आगजनी हुई है और यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है, ड्रोन से हमला किया गया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिसपे पहला शहर है, कौन से 6 शहर है आपको बता रहे, कारज है जो कि तेहरान में, राजधानी तेहरान में मौजूद है। इसके अलावा इस्फहान जहाँ पर मिलिट्री प्लांट है, जहाँ पर सैन्य अड्डा है, ये पूरा कारखाना है। अजार शहर, यहाँ पर भी अटैक किया गया है। इसके अलावा खुआई में अटैक किया गया है, हमादान में अटैक किया गया है, हमने तस्वीरें दिखाई, और डेस्फुल में अटैक किया गया है। ये 6 शहर ईरान के दहल उठे इस अटैक के बाद। और अटैक कब हुआ आपको बताते हैं, ये मिडनाइट अटैक था, आधी रात में अटैक हुआ। और कहां कहां हुआ है अटैक, गोला बारूद जो प्रोडक्शन सेंटर है जहां से बनते हैं कारखाने में जो सैन्य हथियार बनते हैं वहां अटैक किया गया, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। इसके अलावा एयर सायरन लगातार ईरान में बज रहे हैं, इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ईरान में उन जगह पर अटैक किया गया जहां पर विस्फोट ज्यादा हो सकता है। करुणा शंकर के बिल्कुल निधि, और जिस बात का आपने शुरुआत में जिक्र किया, क्या बड़ा सवाल ये भी कि ईरान में भूकंप का कोई अटैक कनेक्शन भी है। इस सवाल पर ये बड़ी जानकारियां आपको हम दे रहे हैं। ईरान में धमाके के वक्त ही भूकंप जिन इलाकों में आया वहां पर अटैक हुआ, वहां पर भूकंप आया और कितनी तीव्रता का है रिक्टर स्केल पर आप जानिए, 5.9 तीव्रता का भूकंप आया जो रिकॉर्ड किया गया और भूकंप में कई लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए। अब सवाल क्या इससे उठा ये आप जान लीजिए, क्या हमला, क्या जो सीरियल अटैक हुआ और भूकंप का कोई बड़ा कनेक्शन है, ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। सरदाना सर, ये कनेक्शन क्या आपको एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है भूकंप और अटैक? देखिए भूकंप और अटैक, पहले भूकंप आया और फिर अटैक हुआ, तो इसलिए एक वो डबल वहमी बोलते हैं ना, जिसे कि एक के ऊपर एक उस दूसरे दुश्मन को सांस लेने का मौका ही ना दिया जाए। संभावना जरूर है कि ये कहीं ईरान की तरफ से कोई बड़ी परमाणु गतिविधि तो नहीं हुई जिसके बाद ये ट्रेमर्स फील किए गए, ये तो मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं लगता कि न्यूक्लियर। इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं एसपी सिन्हा साहब, ये सवाल जिसका जिक्र करुणा कर रहे हैं ये जहन में इसलिए आ रहा है कि पहले भूकंप आता है 5.9 की तीव्रता का लगभग, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और उसके बाद ये अटैक होते हैं, क्या ये मुमकिन है कि ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए कोई टेस्ट किया हो, उसकी भनक लगी हो और उसके बाद इन अटैक्स को अंजाम दिया गया हो, क्या ये मुमकिन है? देखिए दो चीज़ें हैं, जो भूकंप होता है वो जियोग्राफिकल एक्शन है पहली बात, दूसरी बात है लेकिन जो ट्रेमर होता है, जो कंपन होती है जब कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है, कोई आप तो ऐसा वेपन प्लेटफॉर्म टेस्ट करते हो उससे ट्रेमर होता है और भूकंप इसी ट्रेमर का नतीजा होता है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी भी है, ये दोनों अलग अलग बातें। भूकंप एक प्राकृतिक घटना होती है और जो अटैक किया गया वो ऐसा लग रहा है कि सिलसिलेवार अटैक हुआ है। हमारे साथ 30 सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने शुरू में कहा वो प्राकृतिक होता है लेकिन मैंने फिर कहा कि जब आप कोई ऐसा वेपन सिस्टम टेस्ट करते हो जिससे तो फिर कंपन होती है, ट्रेमर होता है, कंपन होती है, स्केल पर ट्रेमर पॉसिबल है, इसका मतलब है 9 रिक्टर स्केल पर ट्रेमर पॉसिबल है, ट्रेमर ट्रेमर हुआ अंदर ईरान के चलते, अटैक हुआ इसराइल के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसराइल ने ही अटैक किया है। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर भी मौजूद हैं जेके त्रिपाठी सर, आप क्या थ्योरी मानते हैं, क्या ये अटैक इसराइल ने किया है, क्या ये अटैक अजरबैजान ने अपनी नफरत निकालने के लिए किया है क्योंकि वो लगातार इल्ज़ाम लगाता रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज ईरान आगे बढ़ा रहा है, या फिर ये अटैक कोई कनेक्शन आपको लगता है रूस यूक्रेन युद्ध से है, क्या लगता है? मैं दूसरी थ्योरी को तो नकार रहा हूँ लेकिन पहली और तीसरी जो है उसके पक्ष में हूँ कि इसराइल ने ये खुद अटैक किया है
और इसका कनेक्शन रूस के रूस यूक्रेन के वार के साथ भी है, क्योंकि इसराइल ने देखे इसराइल ने उन ठिकानों को भी नष्ट किया है जहां की ड्रोन बनते थे और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को भी नष्ट किया है। आज दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी में 3 कंट्रीज सबसे ज़्यादा आगे हैं, वो है इसराइल, ईरान और टर्की। तो अब इन्होंने इसराइल ने ईरान पे ईरान के ड्रोन एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया। दूसरी चीज़ ये कि नेटो का इसमें नेटो का अमेरिका का साथ रहा होगा मैं निश्चित मानता हूँ, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का 2/3 जो है वो इसराइली चलाते हैं, वो यहूदी ज्यूज चलाते हैं। इस बात पे इंकार नहीं किया जा सकता जी, बिल्कुल। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।